हेलो दोस्तों, ट्रेकी क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेस्ट ट्रिक। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे 15 × 18, 15 × 18 का मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 × 10 का मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चेंज कर देते हैं 40, लेकिन हम लोग इस बेस ट्रिक को हम लोग समझकर आगे के बड़े बड़े क्वेश्चन को भी बड़े बड़े मल्टीप्लाई को भी हम लोग कर सकते हैं, जिसका बेस क्या होगा, लगभग दिए गए यहाँ पे डिजिट जो है उनके करीब होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम लोग करें, इसका करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये कितना का बेस है, 10 का बेस है। अगर ये 10 का बेस रहता है, 10 का बेस का मतलब कि उसमें 1 0, 10 के बेस का मतलब हो जाएगा उसमें 1 0। जब 1 0 होगा तो एक स्थान तक इसका क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और बाकी जो आएगा उसको क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टी कैरी करेंगे। अब इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कितना है, +5 है, और ये कितना है, +8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, 8 × 5 = 40, 40 का क्या होगा, 0। इसे देखिए दो डिजिट लिख सकते हैं, लेकिन इसका बेस क्या है, 1 डिजिट है, तो जब इसका बेस 1 डिजिट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ही अंक लिखेंगे, और दूसरा अंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 4 क्या हो गया, कैरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4 कैरी हो गया। अब इसमें या तो इसमें ये जोड़ते या तो इसमें ये जोड़ते, जैसे 15 × 5 = 20 = 23, और 4 कैरी था, 23 × 4 कितना हो जाएगा, 27। या हम लोग ऐसे करें 18 × 5 जोड़ते तो भी कितना हो जाएगा, 23 × 4 = 27। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए कितना है, 2 है, और ये कितना है, 4 है। अब देखते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 और 14 × 16, आराम से हम लोग कर सकते हैं इजीली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 8, यहाँ पे कितना है, 7, बेस 10 का ही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, कैरी हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं 18 में 7 जोड़ दें या 17 में 8 जोड़ दें, 17 × 3 = 20, 20 × 5 = 25, और 25 × 5 कितना हो जाएगा, 30, तो 306। अब इसको अगर देखें तो ये कितना है, 5, और ये कितना है, 9 × 5 कितना होगा, 45, कैरी हो जाएगा 4, और इसमें या तो 5 जोड़ते तो 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24, 24 × 4 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई रखिए, हमेशा याद रखिए कि ये 2 बेस से हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों डिजिट ऊपर होना चाहिए। हर तरह का इसमें बताएंगे टाइप, पहला हम लोग ये देखें कि बेस से ये क्या होगा, ऊपर होगा, और कितना डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मान लीजिए कि 103 है और मल्टीप्लाई है 104। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, 103 कर लेंगे और इस तरह कर लेंगे 100 + 4 ऐसे करके, जबकि इससे बेस्ट मेथड है ये। अब देखते हैं इसमें कितना ये अधिक है, 3, और ये कितना अधिक है, 4, इसका बेस कितना है, 100, इसका मतलब यहाँ पे 2 अंक तक हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक तक इसको रखेंगे। चलो देखते हैं, 4 × 3 = 12, तो 12 का यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, अब बस 4 में जोड़ देंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 107, अर्थात इसका फाइनल हो जाएगा 107 आंसर। उसी तरह देखिए 112 × 115, ठीक है, या 105 ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अब इसको क्या हो जाएगा, 112 × 105, ये कितना अधिक है, 12, ये कितना अधिक है, 5। अब हम लोग देखते हैं इसका बेस कितना है, 2 है, तो 2 बेस है तो 2 तक रखेंगे, 12 × 5 = 12 × 6 = 60, 60 में कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा, और फिर यहां पे क्या करेंगे, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ दे या इसमें ये जोड़ दे, तो 12 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, 170। ठीक है, अब इससे अधिक में जैसे मान लीजिए कि ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +3 हो गया और ये +5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका देखेंगे तो कितना बेस है, 3 बेस है, तो 3 अंक करेंगे तो 5 × 15, ये केवल 2 अंक तक ही हुआ, तो 1 अंक हम क्या करेंगे, हम लोग अपने से रख लेंगे, 1 अंक क्या करेंगे, अपने से, 3 अंक इसका फुलफिल हो गया। अब इसके बाद जोड़ देंगे, 1003 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1008, ये मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1008 × 1007 हो गया, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +8, और ये कितना है, +7, 8 × 7 = 56,
आठ सत्य कितना होगा 56, तो 56 लिखेंगे, लेकिन इसका बेस 3 है इसलिए 3 डिजिट चाहिए, तो 10 हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। अगर इसमें जोड़ देते हैं तो 8 सत्य कितना होता है 15, इसका मतलब 1015, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब ये था बेस से लेकर, बेस से क्या होता है, ये बेस से ऊपर का था, ठीक है, अर्थात बेस से अधिक था। अब हम लोग लेते हैं बेस से नीचे का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं बेस से नीचे का, देखते हैं बेस से नीचे का। जैसे मान लीजिए कि 998 मल्टीप्लाई 997, 998 मल्टीप्लाई 997। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 998 मल्टीप्लाई 9, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितना कम है, ये कम है आपको 8, 2 कम है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये कितना कम है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐसे कर लेंगे, फिर इसके बाद इसका बेस देखेंगे तो कितना है 1000, इसका बेस जो है वो कितना है 1000, अर्थात 3 डिजिट चाहिए हमको, तो 3 डिजिट तक हम लोग रखेंगे। अब देखिए 3 दुना कितना होगा 6, यहाँ पे रखेंगे 6, और बाकी जो है अब 2 डिजिट जो खाली रह गए, 2 डिजिट क्या रखेंगे 0, ठीक है, 2 डिजिट 0 रखेंगे। इसके बाद अब या तो इसमें से ये घटा लें या तो इसमें से ये घटा लें, तो कितना हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा 5275, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह आगे भी देखें 997 मल्टीप्लाई 993, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये -3, और ये हो जाएगा -7, और सब तरीके कितना हो जाएगा 21, और 10 हो जाएगा क्योंकि 3 इसका बेस है। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखेंगे तो फिर इसमें से क्या होगा, इसमें कोई इससे घटाए या इसमें से इसको घटाए, जब 93 में से घटाएंगे तो 990, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। किसी भी बेस पर कर सकते हैं, जैसे अगला आप देखते हैं 100 के बेस पर, जैसे 98 गुणे 95, तो ये कितना होगा -2, और ये कितना होगा -5, तो ये क्या हो जाएगा -2 और -5 हो जाएगा आपको, तो 5 × 10 2 बेस है क्योंकि ये 100 का बेस है, इसलिए 2 अंक तक फुलफिल हो गया। अब 98 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 93, और 93 से 10 किसका होगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग दो चीज देखे, एक बेस से कम और एक बेस से अधिक, एक जो था वो क्या था बेस से कम था, और एक जो था वो क्या था बेस से अधिक था, ठीक है। अब ऐसा देखते हैं कि बेस से कम भी होगा और बेस से अधिक भी होगा। जैसे मान लीजिए कि 998 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, 998 मल्टीप्लाई 1005, अब यहां पे देखिए ये कितना है -2 है, और ये कितना है +5, एक तरफ -2 और एक तरफ +5, मतलब एक तरफ कम और एक तरफ अधिक है। जब हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस कितना है 2 डिजिट है, इसका बेस जो देखेंगे तो ये 1000 बेस है, अर्थात 3 डिजिट, 3 डिजिट पहले इसको क्या करेंगे 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें या तो इसमें इसको जोड़ देंगे या तो इसको इसमें घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 100, और 5 में से 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, आप इसको घटा देंगे 5 × 10, इसमें से 10 घटा देंगे, कितना आएगा 0 में से 0 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपको 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 001, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे 105 मल्टीप्लाई 93, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। अब हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट का है, 100 है, इसका बेस क्या है 100 है, तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, तो फिर क्या हो 100 बेस है, इसका मतलब 2, तो 2 अंक यहाँ पे रख देंगे। अब 105 में से 7 घटे हैं, 93 में 5 जोड़ते हैं, 93 में 5 घटे कितना होगा 98, 93 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग करेंगे 5 × 7 = 35, इसमें से 35 क्या करेंगे लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 9 में से 3 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 9, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन है, जो बेस के नजदीक हो 1000 to 100, 10000 to 1 lakh के नजदीक हो, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है ज्यादातर,
और वो टाइम टेकिंग के लिए आता है ताकि आप लोग क्या करें इसके लिए टाइम ले। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का बेस्ट तरीका ये है। अगला देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस तरह का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जैसे कि मान लीजिए कि 999 मल्टीप्लाई 999 ऐसा है, ठीक है। इसको करने का बढ़िया तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, बस इसको एक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 998, और इसी को इसमें से क्या करेंगे लेस कर देंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, 9 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 0, और 9 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 0। इस तरह से ये क्या हो गया फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी हो सकता है 99 × 753, अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी क्या करेंगे इसको एक कम कर देंगे 752, अब फिर इसको क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मल्टीपल का बेस्ट ट्रिक है, और सारे बहुत सारे मल्टीपल जैसे ये तो मान लीजिए कि करीब हो गया, ये 99 से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई जैसे मान लिया जाता है 532 × 567 541 × 53, इसके लिए भी बेस्ट ट्रिक अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, घबरा जाइए, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कभी भी हम लोग हल कर लेते, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस ट्रिक से लेकर, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए और कोई देख लेते हैं क्वेश्चन 99 × 7532, इसको भी करेंगे क्या, इसको एक केवल एक कम करना है, इसको क्या करेंगे केवल एक कम करना है, अर्थात 531 करना है, और 9 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 8, और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, और 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए जो है बेस्ट डिजिट मल्टीप्लाई था, आज हम लोग बेस्ट डिजिट मल्टीप्लाई सीखे, ठीक है। अगले वीडियो में बिना बेस का, ठीक है, विदाउट मतलब कोई भी मल्टीप्लाई डायरेक्टली कैसे करें, 3 डिजिट का 2 डिजिट का 1 डिजिट का एक लाइन में कैसे करें, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।